लोकसभा चुनाव के दौरान खासी राजनीति देखने को मिलती है, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान होने वाले दंगे फसाद को रोकने के लिए जगह जगह पुलिस की चेकिंग की जा रही है। चुनाव के दौरान नोटों की हेराफेरी, शराब की तस्करी ऐसे कारनामों पर पुलिस की निगरानी है। लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस काफी सख्ती से नजर आ रही है। आइए देखते हैं नेहा मिश्रा की खबर एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पुलिस का बंदोबस्त लगा हुआ है। ये लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के मद्देनज़र लगा हुआ है और इसमें यहाँ पे पुलिस वाले बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ चौहान सर जुड़े हैं, ये भंडारा पुलिस स्टेशन के थानेदार है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, कैसा चल रहा है आपका काम? काम तो ठीक से चल रहा है जी। अभी लोकसभा का आचार संहिता चालू है और इलेक्शन भी 11 तारीख बहुत नज़दीक आ गए। उस कार्यक्रम को देखते हुए हमारे सीनियर एसपी साहब ने हमको नाकाबंदी का आदेश दिया है, उसके मुताबिक नाकाबंदी चल रही है। इसमें क्या चेकिंग होती है सर? इसमें खास करके कोई अनवांटेड कैश, अनवांटेड वेफंस और कोई जो कि कानून के तहत गैर कानूनी चीज़ें जो है वो इसमें कोई ट्रैवलिंग में कोई यानी कार्टिंग तो नहीं करता है, वो सब देख के हम कार्रवाई करते हैं। अगर कोई वेफन मिलता है तो कार्रवाई करते हैं, कैश भी मिलती है तो भी कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई सिर्फ रात में ही होती है सर? नहीं, दिन में भी होती है। वो रैंडमली जैसे आदेश आते हैं वैसे हम कार्रवाई करते हैं। रैंडमली जैसे आदेश आते हैं, जैसे आदेश आते हैं रैंडमली की नाकाबंदी करो वैसे शुरू कर देते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता कि यही टाइम करना करके। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आपने अभी देखा यहाँ पे रात के 11 बज रहे हैं, ये रात के 11 बज के 10 मिनट हुए हैं और यहाँ पे हमारी भंडारा पुलिस अभी भी तैनात है। यहाँ आचार संहिता को लेकर यहाँ पे बंदोबस्त लगा हुआ है जो पुलिस ने लगाया हुआ है। आगे की खबर के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ लाइव। धन्यवाद। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।